आगे बढ़ते खबर चंडीगढ़ से है। लगातार बैठकों में जुटे हैं कैबिनेट मंत्री अनिल विज। चंडीगढ़ में दोपहर 3 बजे जो है बिजली निगम की बैठक वो लेंगे और साथ ही वीरवार को श्रम विभाग की बैठक ली जाएगी। मंगलवार को परिवहन विभाग की बैठक अनिल विज द्वारा ली गई थी, तो बैठकों का जो सिलसिला अनिल विज का वो लगातार जारी है। एक के बाद एक वो बैठकें ले रहे हैं, एक्शन मोड में लगातार अनिल विज नजर आ रहे हैं और अधिकारियों को इस दौरान फटकार लगाते हुए भी वो दिखाई देते हैं। तो वीरवार को श्रम विभाग की वो बैठक लेंगे, मंगलवार को उन्होंने परिवहन विभाग की बैठक ली। कैबिनेट मंत्री अनिल विज ने कांग्रेस पर प्रहार किया है। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर उन्होंने जो जमकर निशाना साधा, कहा कि वादे करके पलट जाती है कांग्रेस। हिमाचल में भी कांग्रेस ने मुफ्त योजना के कई वादे किए थे, भेदभाव की सारी फिलॉसफी कांग्रेस के पास है। अनिल विज कांग्रेस पर निशाना साधते हुए नजर आए। मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी पर जमकर कटाक्ष किया और साथ ही हिमाचल सरकार को भी घेरते हुए अनिल विज नजर आए। कहा कि वादे करके कांग्रेस पलट जाती है, तो ये बयान जो है अनिल विज देते हुए नजर आए। उन्होंने कहा कि भेदभाव की सारी फिलॉसफी कांग्रेस के पास है। मल्लिकार्जुन खड़गे जी किस आधार पर कह रहे हैं कि घुमा फिरा के बातें करने की आदत है? मोदी जी की हर बात सीधी स्पष्ट और सबको समझ आने वाली होती है। घुमा फिरा के बातें तो कांग्रेस करती है, कांग्रेस कहती कुछ और है, करती कुछ और है। अब आप हिमाचल का उदाहरण ले लो, कांग्रेस ने जब वहां चुनाव हुए कई चीजें मुफ्त बांटने का वादा किया, लेकिन आज वो तनख्वाहें तक नहीं दे पा रहे। और एक तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी सारे देश के लिए उन्होंने शौचालय बनवाए, और दूसरी तरफ हिमाचल की सरकार शौचालयों पर भी टैक्स लगा के उनसे भी कमाई करना चाहती है। ये अंतर है दोनों भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस। भेदभाव की सारी जो फिलॉसफी है वो तो कांग्रेस के पास है। पहले भेदभाव करके हिंदुस्तान का बंटवारा करा दिया धर्म के आधार के ऊपर, हिंदू मुसलमान के आधार के ऊपर 10 लाख लोग मरवा दिए इन्होंने भेदभाव की राजनीति पे। आजादी की लड़ाई में कहीं नहीं लिखा हुआ था कि देश का बंटवारा हो, देश के सारे हिस्से मिलके लड़े देश की आजादी के लिए, लेकिन इन्होंने भेदभाव इनके मन में है, इन्होंने पाकिस्तान बनवा दिया। भेदभाव के आधार पर इन्होंने सिखों का कत्लेआम करवाया, लगभग 3,500 निर्दोष सिखों को मरवाया और फिर उसको जस्टिफाई किया। अब राहुल गांधी जी का तो मैंने बता दिया कि ये तो पूरी तरह से देश में अब ये बातें कर रहे हैं। इन्होंने बाहर जाके बयान दिया कि हम आरक्षण को खत्म करेंगे, तो बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि राहुल गांधी जी आरक्षण को रिजर्वेशन को खत्म कर।